अभी बजने वाले हैं सुबह के 9 और मैं अभी भी बेड में इसलिए हूँ क्योंकि मेरे को 2 दिन से बहुत ज़्यादा कोल्ड हो रहा है। अभी कंबल में ही हूँ क्योंकि अगर मैं बाहर जाऊँगी तो मुझे कोल्ड हो जाएगा, जो कि मैं नहीं चाहती हुए ऑफकोर्स। तो इसलिए मम्मी ने मुझे ब्रेकफास्ट दे दिया था, वो मैंने खा लिया है। और ऐसा चार्ज कुछ ऐसा स्पेशल करने का नहीं है, बट जो होगा जैसे होगा मैं आपको दिखाऊँगी। और ऑफकोर्स मेरी शक्ल के 12 नहीं 13 बजे है क्योंकि और क्या ही आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। यहाँ पर दावी सो रहा है अपने बेड पर, यहाँ पर अश्विनी सो रही है जिसकी मैं शक्ल नहीं दिखा सकती क्योंकि मुझे अपनी जान प्यारी है, और मैं यहाँ पर स्लॉथ की तरह पड़ी हूँ। चलो किचन में जाके नहीं तो यहीं से पूछते मम्मी से क्या बना है। मम्मी क्या बना है? बेटा सरसों का साग बना रही हूँ। सरसों का साग? मम्मी ना वापस चली गई देख के कि कैमरे से मेरी फिर से गंदी शक्ल की रिकॉर्डिंग कर रही है, बट क्या ही फर्क पड़ता है बेटो। और ये देखो नूपुर तो दोबारा से सो गई थी और जावी उसको कैसे उठा रहा है कि उठ जाओ दीदी, खाना दे दो, खाना दे दो दीदी। नूपुर उठ जा, मम्मी का भी फोन आया था, मम्मी कह रही है कि खुद खाने से पहले जावी को। नूपुर तू तो ऐसे करिए ऐसे तो उसको कंट्रोल ही नहीं कर सकती जैसे तो वो जबरदस्ती कर रहा हो। देखो जावी कैसे पूंछ हिल रही है। He is very happy कि नानू दीदी उठ गई। अब भागेगा। तो अभी ये जो चिड़िया यहाँ पे मक्खी से लड़ रही है, इसका मैंने बनाया 2 रोटी का एकदम बारीक चूरमा जिसमें जाएगी इतनी सारी दही, और इनको हमें हाथ से खिलाना पड़ेगा क्योंकि कुत्ते के रूप में चिड़िया है। सो जावी को खाना खिला दिया है, मैं भी खा लेती हूँ। रोटी, गाजर का अचार एंड साग। मम्मी हाय। अच्छा जावी मम्मी को प्रैंक करेंगे, चलो हम ऊपर चलते हैं, मम्मी को डराएंगे कि हम तो ऊपर हैं। इधर ऊपर नहीं जाना, चुप रह। बस ये कौन सा लूला प्रैंक था। तो देखो हमारी यंग सिस आ चुकी हैं अपना झोला लेके। ये देखो ये जो ब्लैक डॉग है यहाँ पे बैठा है ना, ये पता है कौन से वाला है, जिसको हम ले आए थे ना, मतलब हम लेकर के आए थे, ये तो हमारे पीछे पीछे आ गया था वहाँ से है ना। तो हमने मतलब मैंने इसको अपने एक H&M का स्वेटर पहना दिया जो कि मैं नहीं पहनती थी, और देखो एकदम इसको फिट आया है, वो कितनी ज़्यादा क्यूट लग रहा है। वैसे ना ये शक्ल से तो लड़की लगता है। तो अभी मैंने कुछ खाने का मंगाया है जो कि मेरा फेवरेट है। कितने का है भैया? मैंने जो मंगाया है वो है थाई करी जो कि मेरी फेवरेट है। आपको आपको किसी से मतलब नहीं है ठीक है, आपको ना जाके अपना खाना खाओ। अरे वाह ये तो कितने सुंदर लग रहे हैं। वैसे थाई करी नहीं है, खाओ सो है, बट इसका टेस्ट ऑलमोस्ट वैसे ही था, इसमें नूडल्स कम है और ये जो फ्राइड ड्राइड नूडल्स जो भी कहेंगे वो ज़्यादा होती है, और इसका टेस्ट लाजवाब होता है। तो मैं इसे खाऊंगी। और यार पता नहीं मुझे तो लगा था कि गर्मियाँ आ गई हैं, मैं तो गर्मियों का कपड़े पहनने लग गई थी, बट बाहर जाके देखा तो फिर से ठंड स्टार्ट हो गई। आज तो इतनी हवा चल रही थी बाहर, अभी भी देखो ठंडी हवा चल रही है, पर हमें क्या फर्क पड़ता है, हम तो खाएंगे अपनी थाई करी। नहीं सॉरी खाओ। सो गाइज अभी बज रहे हैं शाम के पता नहीं कितना, और अभी हम जावी को घुमाने आए हुए, मैं जस्ट अभी नहाई हूँ क्योंकि आज मैं जुम्बा क्लास जाने वाली हूँ, बट जुम्बा क्लास मतलब जुम्बा सीखने के लिए नहीं, जुम्बा कराने के लिए। जहाँ पर मैं जिम जाती हूँ ना तो वहीं पर मैं जुम्बा सिखाऊंगी, मतलब आज ट्रायल क्लास है और मैं फर्स्ट टाइम जुम्बा सिखा रही हूँ, तो आई एम थोड़ा नर्वस, बट हाँ मैंने प्रिपेयर करा। वैसे तो मेरी तबीयत ख़राब थी बट जितना मुझसे हो सका मैंने उतना प्रिपेयर कर लिया है। तो अभी वो है 7:30 to 8:30, तो अभी तो थोड़ा टाइम है इसलिए मैं भी नहा ली थी,
और सुबह मैंने प्रिपेयर कर लिया था क्या सिखाऊंगी, मुझे समझ नहीं आ रहा मैं वहाँ पे वीडियो कैसे बनाऊंगी, बट देखते हैं क्योंकि फोन से ही वीडियो बनानी होगी, फोन से ही गाने चलाऊंगी। आउटफिट दिखाना गाइस को, ऊपर से पहले तो इन्होंने एक इतना महंगा नेकलेस पहन रखा है, वो आप देख ही लीजिए, इतना महंगा कि बस क्या बताऊं, इसकी कोई कीमत ही नहीं है। और फिर पहने पिंक, पता नहीं क्या है ये, मम्मी से क्या बोलते हैं, सब कुछ पहनते हैं ना। और फिर उसके नीचे, और ये क्या है मम्मी, क्या है नीचे, नीचे ये कपड़े, ये तो मैं भी अलमारी लगाऊंगी अपनी। और जैसे यार थोड़ा और नीचे जाएंगी, लाल के पिंक के नीचे, लाल के नीचे ब्राउन के साथ ग्रीन, और अभी तो ऊपर ये दो और चीज पहन रखी थी मम्मी, मतलब गर्मी होती है ना, ऐसे क्यों बैठे हो, नहीं इसलिए सर्दी होती है ना, क्योंकि तू नीचे नीचे दिखाए जा रही है, इसलिए मैंने कहा नीचे, पर मैं जब सर्दी होती है ना तो हर तरह के कपड़े पहने जाते हैं। मम्मी तुम बस सिखाने जाने, मम्मी आप कोई टिप्स देंगी मुझे, यार मेरे को टिप्स मैं तेरे को क्या दूं बेटी, मैं कुछ जुम्बा सीखने जाती हूँ। अच्छा ये तो सीखने वाले खिलाड़ी हैं, आपसे तो हमें नहीं मिल सकता कुछ। लॉल मुझे तो हंसी आ रही है कि मुझे से छटाक लड़की जुम्बा सिखाएगी, वो भी अपने से बड़ी एज के लोगों को, तो थोड़ा बहुत तो नर्वसनेस फील हो रहा है, बट इट्स ओके, अपने आपको अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए, ऊपर से मैं अच्छे से प्रिपेयर करके आई हूँ, अब मुझे जो लगता है जुम्बा मैं सिखाऊंगी अच्छे से। सो ये है स्टूडियो, और मैं मम्मी का फोन लेकर आई थी ताकि मैं अपने से वीडियो बना सकूं, बट मम्मी किसे कनेक्ट ही नहीं हो रहा, क्योंकि मम्मी का फोन तो एकदम ऐसे डब्बा है, उससे कनेक्ट ही नहीं हो रहा, तो मुझे अपने से करना पड़ेगा, मुझे पता नहीं मैं रिकॉर्ड कैसे करूँ, अगर मम्मी किसे करती हूँ तो फिर वो तो बहुत गंदी क्वालिटी आएगी ना, तो फिर मैं क्या करूँ, मुझे समझ नहीं आ रहा, मैं मरने जा रही हूँ। और अभी कोई आया भी नहीं है, मतलब हमेशा हम जो एक्सपेक्ट करते हैं वैसा होता नहीं है, विच इज़ वेरी सैड, कोई नहीं क्या करें, क्या पता कोई आए ना, मुझे ऐसे ही जाना पड़े, अभी तक कोई नहीं आया तो मैं नीचे जा रही हूँ, अपना जिम ही कर लेती, इतने कोई नहीं आ रहा तो और क्या ऑप्शन है मेरे पास। तो फाइनली कोई तो आया है, यहाँ नहीं है बट आ रहे हैं नीचे, कौन आता है, मतलब नीचे हैं तो कुछ स्टूडेंट्स, सारे सॉन्ग्स नहीं किए, उनको जाना था, कम टाइम था क्योंकि लेट स्टार्ट हुई थी, बट नेक्स्ट टाइम इन सबने बोला आएंगे तो ठीक है करेंगे, मैंने तो अपनी तरफ से पूरा अच्छा कराया, सो आई एम प्राउड ऑफ माई सेल्फ, अच्छा कराया। हाँ बट वीडियो नहीं बना पाई मैं इससे। मैंने लिया है जावी का दूध पनीर, और मैं ले रही हूँ सब्जी, मम्मी ने बोला है कि कैसे कैसे सकता है लड़की मार्केट में सब्जी ना मंगाए, तो सब्जी ले रही हूँ। यार अकेले ब्लॉगिंग करना, साथ में एक बैग हो, फिर फोन हो दो, फिर हाथ में दो झोले हो इतने भारी भारी, मतलब व्लॉगिंग ऐसे तो करना बहुत ज़्यादा मुश्किल, पैसे भी हो समझ नहीं आता क्या कहाँ रखो, फिर तुम पैदल जा रहे हो, तुम अकेले हो तो को समझ ही नहीं आता, और मेरे इतना लगता है वहाँ पे एक्सरसाइज नहीं होगी मेरे आर्म्स की जैसे मेरी यहाँ हो गई, फिर दो झोले इतने भारी हैं, आगे से मैं नहीं लाऊंगी मम्मी, देखो हाथ में दर्द उठता है, लोग मुझे पागल समझ रहे होंगे कि क्या कर रही है, अपने ऊपर ही फ्लैश लाइट डालती हुई चल रही है, अपने आप को सेलेब्रिटी समझती है क्या, तो ब्रो हाय आप कैसे आ गए हो, जावी के एनिमी बाय बाय, नहीं आप ऐसे क्यों रहते हो, कहाँ से लगे जावी का एनिमी है, देखो मैं आपको हाथ नहीं लगा सकती जबकि मेरा मन बहुत कर रहा है, तो आप निकल लो यहाँ से ठीक है। तो मेरे हाथ तोड़ दिए मम्मी, क्रिसमस गया, ये क्रिसमस के कपड़े नहीं है, सोनी पकड़ेगी मतलब खड़ी होके हंस रही है मम्मी, देख लो चल अंदर, पता है मिला था फिर से पागल। तो मैं खाना खा चुकी हूँ एंड भाई चेक कर लो यार क्या हो रहा है, अश्विनी आपको सर में दर्द हो रहा था, आप तो फोन चला रहे हैं, मम्मी ने बोला आपके, अब पता चला
लड़की मम्मी को बोल के मम्मी मेरे सर में दर्द हो रहा है। झूठ बोल रही थी, उसके सर में दर्द हो भी नहीं रहा, वो जानबूझ के ताकि काम न करवाना पड़े। सावी, सावी, दीदी को। अश्विनी तो पकड़ी गई। सावी, दीदी को पिट के, सावी दीदी को पिट के, दीदी ने झूठ बोला, दीदी ने झूठ बोला। मैं झूठ बोल रही थी। मम्मी देख लो, झूठ बोल रही थी। मैं से काम करवाओ। मम्मी आके फोन चला रही थी। काम चोर काम। पागल हो गई। हाँ तो अभी बज रहे हैं रात के, मुझे नहीं पता, शायद 10:30। और तो मैं बस इस वीडियो को यहीं ख़त्म करूँगी। तो मेरा छोटा सा क्यूट सा व्लॉग था, और छोटा सा क्यूट सा व्लॉग। क्यूट कौन था? क्यूट? नो। हाँ, सो आई होप कि आपको आज का व्लॉग पसंद आया। सो प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब माय चैनल, एंड आई विल सी यू इन माय next vlog. Bye bye. Kya hai?